जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत स्वागत है और आपको बहुत आभार है। आप जो प्यार और सपोर्ट आपके अपने चैनल को प्रदान कर रहे हैं, आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, शनि राहु और केतु कर देंगे मालामाल। आने वाले 100 दिनों में, आने वाले 200 दिनों में, जो है आने वाले 6 महीनों के अंदर एक बहुत बड़ा चेंजिंग मोमेंट जो है हम खुद कर सकते हैं, शनि और राहु और केतु से मिलकर। वो क्या है और ये वीडियो आपके लिए क्यों ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इस पर भी हम आपको ये बात प्रकाश डालेंगे कि हमारे जीवन में जो भी सारी परेशानियाँ होती है वो तीन चीज़ों को लेकर इंगित होती है। सबसे ज़्यादा जो आज के युग में परेशानी है वो राहु की महादशा है। यदि आपको राहु की महादशा चल रही है तो उसको सिम्टम जान लीजिए। आप अगर किसी कुंडली में नहीं पता है, काम नहीं बनते हैं, व्यापार डूब जाता है, व्यापार मंदा हो जाता है, साझेदार धोखा दे देता है, हम सही होने के बाद भी हमें कई सारी तकलीफें झेलना पड़ता है, ये शनि की महादशा के सामान्य सिम्टम है। इसके अलावा कुंडली को देखने के बाद और विशेष चीज़ें पता लगती हैं। तो ये जो है इसकी वजह से इतनी सारी परेशानियां हमें क्रिएट हो जाती है कि जिसके बारे में शायद हम सोच भी नहीं सकते। हम परेशानियों से घिरते जाते हैं, घर में कोई ना कोई बीमार चलता ही रहता है, मतलब हम चाह कर भी चीज़ों से बाहर नहीं निकल पाते। तो अब जो टाइम है 6 महीने तक आपको क्या करना है, 4 महीने तक क्या करना है, अगर इन चीज़ों को आप फॉलो करेंगे तो मैं आपसे यकीन मानिए आपको शनि राहु केतु तीनों मालामाल कर देंगे। तीनों ही ग्रह जो है हमें डिस्टर्ब करते हैं। उससे पहले एक निवेदन मैं आपसे करना चाहता हूँ कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल से नहीं जुड़े हैं, प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल से जुड़ें, कमेंट्स में लिखें ओम नमः शिवाय, जय शंभो, हर हर महादेव। और अगर आप अपनी कुंडली का एनालिसिस हमसे करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर नंबर चल रहे हैं, आप व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट लेकर बात कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात है, शनि का जो राहु का जो क्षेत्र है वो गले से ऊपर है। तो बुद्धि और वाणी, ये दोनों का हमें संयम रखना होगा। वाणी पर संयम अगर आप रखेंगे तो बेशक आपको राहु संबंधित जितनी सारी शिकायतें उनमें भारी कमी भी आएगी और आपको कभी कोई परेशानी नहीं आएगी। तो वाणी पर संयम कैसे रखना है, कोई व्यक्ति आपको क्या बोल रहा है उसे सिर्फ सोचे समझे, अपना पक्ष अभी ना रखें, चीज़ों को थोड़ा वक्त लें, समय लें और फिर पक्ष रखें। दूसरा है केतु से रिलेटेड चीज़ें। केतु हमेशा उड़ते हुए चीज़ों को लेकर आता है, मतलब जो चीज़ों में आपका कोई लेना देना ही नहीं होता है उनमें ऐड करना। तो इस चीज़ को बिल्कुल ऑब्जर्व करें कि इसमें हमारा लेना देना है या नहीं है, नहीं है तो दूर हट जाए। और शनि की एक सबसे बड़ी खासियत है दोस्तों कि वो न्यायप्रिय हैं और वो व्यक्ति के कर्मों पर ही ज़्यादा फोकस रखते हैं, इसलिए अपने सकारात्मक कर्मों पर ज़्यादा ध्यान दें। कोई भी नकारात्मक कर्म जो हैं उनसे जितना उसे भी उतना आप बचें, और दान पर ज़्यादा ध्यान दें, जो दीन दुखी हैं उनकी मदद पर ज़्यादा ध्यान दें। ये तीन जो तरीके अगर आप इन्हें फॉलो करेंगे, शनि और राहु और केतु, ये तीनों आपके ग्रह आपकी कुंडली में कहीं भी हो जो आपके करियर को नहीं बनने देते, रोजगार में उन्नति नहीं होने देते, ये जितने सारे डिस्टर्बेंस हैं इन डिस्टर्बेंस को वो क्रिएट नहीं करेंगे और ये क्रिएट नहीं होंगे तो आपकी उन्नति स्वतः होगी। अब इसके बाद जो रामबाण सबसे बेहतरीन जो आपको करना चाहिए, अपने गुरु मंत्र का जाप। अब ज़्यादा से ज़्यादा अपने गुरु मंत्र का जाप करें, ओम नमः शिवाय का जाप करें। जितना आप जाप करेंगे उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा पहुँचेगा। यही तरीका राहु केतु और शनि से आप चीज़ों को फ़ायदा और मालामाल होने के लिए, मालामाल होने से मतलब है कि ये हमें चाहे पॉजिटिव परिणाम ना दे पर नेगेटिव ना दे, क्योंकि इनके नेगेटिव परिणाम ही हमें डिस्टर्ब कर सकते हैं, फैमिली लाइफ सब चीज़ें कर सकते हैं। अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। ओम नमः।